भारतीय महिला हॉकी टीम में एशिया कप विजेताओं की शाहबाद मारकंडा में पहुंचने पर राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने स्वागत समारोह अपनी नगरी शाहबाद मारकंडा में की। हॉकी कप्तान रानी रामपाल और नवजोत और नवनीत के आने पर ढोल बजाकर और फूल मालाओं के साथ लोगों ने बधाई दी। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने अपनी ओर से सभी विजेता खिलाड़ियों को 31,000 रूपए देने की घोषणा की और कहा कि शाहबाद की बेटियों ने देश को परम वैभव तक पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सिफारिश करेंगे कि इन बेटियों को हरियाणा प्रदेश में नौकरी दी जाए ताकि यह इनकी सेवाएं प्रदेश के नए खिलाड़ी ले सकें और खेलों में हरियाणा को और आगे ले जाया जा सके। रानी जी, क्या कुछ बताएंगे, छोटे से थे आप 5-6 साल के, हॉकी की स्टिक कम, अब लगा कि भारत देश की बेटियां काम आ गई। हाँ जी बिल्कुल, मैं बहुत छोटी थी जब मैंने हॉकी शुरू किया, 6-7 ईयर्स की थी और काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड था वो 7 ईयर्स से लेके अभी मैं 22 ईयर्स की हूँ। तो काफ़ी कुछ अच्छा भी हुआ लाइफ में, काफ़ी कुछ नहीं भी अच्छा हुआ और काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को मेरी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जैसे हमारे जो कोच हैं द्रोणाचार्य बॉडी हैं, सरदार बलदेव सिंह, आज मैं उनके कारण यहाँ पर हूँ और वो जहाँ भी है मैं उनका हमेशा दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने हमारे लिए मेहनत की है। और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मर कैप्टन हमारे साथ आए हुए संदीप कौर, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमारे उस स्ट्रगलिंग पीरियड में हमें हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। और काफ़ी खुशी होती है जब हम अपने पास्ट में जाके देखते हैं कि हम कहाँ से निकले थे और अभी कहाँ पे। विदेश हमारे काफ़ी आगे है फॉरेन कंट्री स्पोर्ट्स के मामले में, क्या कुछ लगता है आपके दिमाग में, लास्ट गोल करना है, जीतना है भारत की जल्दी? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं। जैसे बात ये है कि हम लोग बिलीव कम करते हैं अपने आप में कि हम लोग भी जीत सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। और जैसे हमारी कंट्री में है कि हम जीतते हैं तो हमें बड़ा अच्छा मान सम्मान मिलता है, इतना उनको नहीं भी मिलता। और जैसे हम लोग अभी जीत के आए और यहाँ पे आके हमें जो वेलकम मिला है वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जो आने वाली जनरेशन है, जो प्लेयर्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनका एक हौसला बढ़ता है कि जब हम भी बड़े होंगे, हम कुछ ऐसा करके आएंगे तो हमें भी सेम चीज़ मिलेगी। आगे की तैयारी वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे 2018 है उसमें वर्ल्ड कप है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, और हम अभी इसको यहीं पे भूल के हम नेक्स्ट ईयर्स पे फोकस करना चाहते हैं और उसमें अच्छा वर्ल्ड लेवल की जो टीम्स हैं, टॉप टीम्स हैं, उनके साथ कम्पीट करना चाहते हैं। और जो हमारे ट्रेनिंग कैंप्स होंगे उसमें हम काम करेंगे जो हमें ज़रूरत है और भी ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने का। आपकी टीम को क्या कुछ बताएंगे, बहुत बड़ा चाइना का विरोध होता है और जैसे लीग मैच में भी हमारा था चाइना के साथ मैच, पर जो एक फाइनल था उसमें भी हमने चाइना को बीट किया 4-1 से, बट एक जो फाइनल होता है वो फाइनल का अलग ही एक रिदम होता है गेम का। फाइनल इतना इजीली हमें नहीं मिलता, बट हमारा यही था कि हमें मैच शूट आउट पर पहुंच सकता है, तो हम पहले प्रिपेयर होके गए थे कि मैच शूट आउट पर आएगा और शूट आउट पर हमें इतना कॉन्फिडेंस था। पिछले 8 मंथ से हम कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे तो वही इसलिए हमने वो विन किया मैच इजीली। अगली तैयारी नेक्स्ट ईयर हमारा कॉमनवेल्थ वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स है, उस पर हमारा पूरा फोकस है कि हम अच्छा करें टीम के लिए। और नेक्स्ट कैंप हमारा फिटनेस कैंप है, स्ट्रेंथ कैंप है, जिसपे हमारा नेक्स्ट ईयर की पूरी तैयारी होगी। बिल्कुल, उनका तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता ही है कि जो सरदार बलदेव सिंह है उन्होंने कितना जो इंटरनेशनल स्तर पे कितने प्लेयर दिए हैं, तो जिनकी बदौलत आज ये उनकी 3 लड़कियां टीम में थी। तो मैं ये चाहूँगी कि वो शाहबाद में दोबारा से आने चाहिए जिससे और खिलाड़ी आगे आ सके। एक समय ऐसा था जब आपको चोट लगी थी, कह दिया गया था कि आप हॉकी नहीं खेलते, किस तरह उभरे? तब ये जो हमारे संदीप जी हैं, सीनियर मोस्ट प्लेयर, एक्स कैप्टन इंडियन वुमेन हॉकी टीम के, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और काफ़ी मुझे इधर उधर लेके गए जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ और मैं नेक्स्ट दोबारा से टीम में आई। थैंक यू। अभी फिटनेस कैंप है तो उसी पे फोकस होगा, अभी जाएंगे कैंप में। और नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स हैं, तो यही रहेगा अभी हम शाहबाद के जितने प्लेयर हो सके टीम में आए। सर, ये सारा बलदेव सर? हाँ जी, बलदेव सर को ही जानते हैं। पापा तैयारी कैसे चल रही है आगे को, देश की झोली में मेडल? तैयारी अच्छी चल रही है, अभी कंटिन्यूस कैंप है हमारे और टूर भी काफ़ी है बाहर के लिए, तो हमें होप है कि हम मेडल लेके आएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी कामयाब हुई बेटी बताओ बेटी नडल का बताओ। शाहबाद बड़ी ऐतिहासिक नगरी है और कई तरह के इतिहास यहाँ से रचने का काम हुआ है। इतिहास खेल के क्षेत्र में पहले से शाहबाद पहले से ही बहुत आगे रहा। यहाँ पे पुराने कार्यकाल में पहलवानी एक बहुत बड़ा कुश्ती का ये क्षेत्र था, एजुकेशन का ये हब रहा है। इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले या तो डीएवी बोर्डिंग स्कूल लाहौर में होता था या जलंधर में होता था या शाहबाद मारकंडा में होता था, परंतु पिछले बहुत लंबे समय से हमारे अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी सरदार बलदेव सिंह जी ने यहाँ पे बहुत से बच्चों के साथ मेहनत की और मुझे लगता है कि एक समय तो ऐसा भी था कि शाहबाद से सात सात बच्चे इंटरनेशनल टीम के अंदर भारत के का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। आज भी हमारी बेटी रानी रामपाल जो भारत की टीम का प्रतिनिधित्व करती है, कैप्टन है, उसके नेतृत्व में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीत के आए हैं और आज शाहबाद के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल है। मोदी जी का जो सपना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु शाहबाद में महिला हॉकी पहले से ही बहुत अग्रणी है और किस प्रकार से गरीब से सामान्य सामान्य परिवार का बच्चा आज भारत का नाम बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हॉकी के अंदर ललायत है। यहाँ का एक पैशन बन चुका है यहाँ के बच्चों के अंदर हॉकी, चाहे महिला हॉकी है चाहे पुरुष हॉकी है, और हर बार देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी उभर के आते हैं। परंतु पिछले दिनों 2014 में मोदी जी की जब सरकार बनी देश के अंदर और हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, हमने खेल नीति बनाने का काम किया। उस खेल नीति के तहत हमने स्टेडियम के अंदर पांव रखने वाला बच्चा, पहले दिन जो बच्चा स्टेडियम में पांव रखेगा उसका इंश्योरेंस की हमने पॉलिसी लेकर आए, उसके डाइट की हमने पर डे बढ़ाने का काम किया, कैश अवार्ड की हमने बात की, खिलाड़ी बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट की हमने बात की, एम्प्लॉयमेंट की श्योरिटी देने का काम किया हमारी सरकार ने। और आज कुश्ती की अभी पिछले दिनों चैंपियनशिप के अंदर 3 करोड़ रुपए की कुश्ती कैश अवार्ड का तौर पे हमें देने का काम किया और इसी प्रकार से बहुत से खेल ऐसे हैं जिनको हमने आगे बढ़ाने का काम किया। हमने बच्चों को बचपन से ही कैच करने की हमने शुरुआत की है।